नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। एमडी ड्रग्स का नाइजीरियन स्मगलर मुंब्रा में गिरफ्तार। एमडी ड्रग्स के एक स्मगलर को मुंब्रा में गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी नाइजीरिया का रहने वाला है। इस आरोपी के पास से बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स की बरामदगी ठाणे पुलिस ने की है। वहीं मुंब्रा में गिरफ्तार यह है केली चिकू एजे फ्रांसिस, इसकी उम्र है 39 वर्ष। यह मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है। वहीं पालघर के नाला सुपारा परिसर में रहकर यह नाइजीरियन आरोपी एमडी ड्रग्स का यह नशे का व्यापार करता था। वहीं इसके पास से 55 ग्राम एमडी ड्रग्स गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने बरामद किया है। वहीं बरामद एमडी ड्रग्स की कीमत 1,29,500 रुपए बताई जा रही है। पेश है ठाणे की यह एक रिपोर्ट। 3 सितंबर को हमारी जो पीएसआई भोसले और उनकी पूरी टीम है मुंब्रा में, उनको एमडी जो नार्कोटिक ड्रग है उसकी इंफॉर्मेशन मिली थी। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने दत्तवाड़ी पेट्रोल पंप के पास से 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके नाम है अफदस शेख, सैयद हाफरोज और मुदस्सर खान। उसमें अफदस शेख जो है वो मुंब्रा का रहने वाला है और सैयद हाफरोज और मुदस्सर खान ये भिवंडी के रहने वाले हैं। इनको हिरासत में लेने के बाद में इनके पास से हमको 26 ग्राम एमडी हमें बरामद हुई। उसके तहत हमने सीआर नंबर 808/2022 के तहत हमने गुना रजिस्टर किया। एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 8C और 22A के तहत हमने गुना रजिस्टर किया। इंट्रोगेशन में हमको पता चला कि ये जो एमडी है ये लाते कहाँ से, इसकी जब मालूमात करना चालू की तो हमें पता चला कि एक नाइजीरियन नेशनल इसमें इन्वॉल्व है जो इनको ये ड्रग सप्लाई करता है। तो उसके तहत हमने ट्रैप लगाया और ये नाइजीरियन जो नेशनल है केली चिकू फ्रांसिस, इसको हमने 5 सितंबर को हमने गणेश घाट मुंब्रा के यहाँ से हमने ट्रैप करके इसको हमने हिरासत में लिया और इसके पास से हमने अभी तक 55 ग्राम एमडी हमने रिकवर किया है। टोटल जो मुद्देमाल है करीबन 1 लाख के ऊपर का हमने अभी तक ड्रग्स हमने बरामद की है और एक अच्छी सफलता हमारे पूरे मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI कडलर, PI क्राइम निकम, PSI भोसले, हेड कांस्टेबल माली घोड़के और उनकी पूरी टीम ने ये अच्छा काम किया। इनको 3 दिन की पीसी मिली। अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। जो अफदस शेख है उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया, साथ ही सैयद और मुदस्सर का भी अभी